वापस आ जाओ यार, कहाँ रह गए हो तुम? प्लीज मेरी बात सुन लो फिरात, मुझे तुमसे बात करनी है। क्या मसला है अब यारिन, क्या चाहती हो तुम? अगर आधे घंटे में आ जाओ तो बात कर लेंगे, इसके अलावा मेरे पास टाइम नहीं है। हाँ बताओ मीरान, क्या हुआ, बात हुई तुम्हारी? हाँ मैंने उसे बता दिया कि मैंने उस पर शक नहीं किया, जानता था गोनल वाली बात पे नाराज होगी। अब मुझे थोड़ा सुकून आ गया दोस्त। मीरान बस कर दो यार, तुम जानते हो हम एक साथ बड़े हुए हैं, मैं तुम्हें अच्छी तरह जानता हूँ, बहुत अच्छी तरह से, लेकिन मैंने तुम्हें कभी भी ऐसे हालात में नहीं देखा। देखो सब कुछ ठीक नहीं चल रहा और घर में भी लड़ाई हो गई है, कयामत का मंजर हो जैसे। मैंने तुम्हें कभी भी किसी के लिए इतना तड़पते हुए नहीं देखा, तुम ठीक नहीं हो, प्लीज मीरान। हाँ मैं ठीक नहीं हूँ यार, क्योंकि तुमने भी देखा जिन लोगों को अपनी फैमिली कहता हूँ उन्होंने मुझसे कितने झूठ बोले। मुझे तो यह तक नहीं मालूम कि किस पर यकीन करूं और किस पर नहीं। मेरे दिमाग के अंदर अनगिनत आवाजें गूंज रही हैं फिरहाल, और इस वक्त मैं सिर्फ रियान के बारे में सोचना चाहता हूं। मुझे लगता है हमें कुछ करना होगा। अब यह ना कहना कि शादुलो हवेली जाना है। नहीं अभी नहीं फिरहाल, मैं सोचूंगा इस बारे में। रियान अब मुझ पर कैसे दोबारा यकीन करेगी, मुझे इस बारे में सोचना होगा। चलो ऑफिस चलते हैं, मुझे भी कुछ खामोशी की जरूरत है। या तुम एक काम करो, ऑफिस जाओ, मुझे एक छोटा सा काम है, मैं वो करके आता हूँ। जॉन, अपने भाई से कहो के डॉक्यूमेंट्स को एक बार अच्छी तरह से पढ़ ले, फिर उसके बाद उन्हें आगे भेजे। बाबा जरूरत नहीं है, भाई वैसे भी ऑफिस में है, वैसे भी मैंने कंट्रोल कर लिया है, कोई मसला नहीं, आज भेज देंगे। फिर भी वो देख ले एक दफा, छोटी सी भी गलती ना हो। नसू साहब, वकील साहब आए हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। इस वक्त क्यों आया है वो, देख लेते हैं। नसू साहब, खबर थोड़ी बुरी है, असलान बे वाले लोग ऑफिस में हैं और वो जल्दी से प्रोसेस शुरू करवाना चाह रहे हैं। क्या मतलब है? क्या हुआ है बाबा? क्या बकवास कर रहे हो? कैसा प्रोसेस? हाँ खिदर, कंपनी में कुछ लोग आए हैं, कहते हैं कि असलान बे की तरफ से हैं। बाबा 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 बाबा, हाँ ना, जल्दी से बाबा की दवाई ला, जल्दी। रियान, तुझे छोडूंगा नहीं मैं। बाबा छोड़े इस वक्त रियान को, आप ठीक तो हैं, संभाले खुद को। हुआ क्या है? ठीक हूं मैं, एक मिनट बाबा रुके। आजाद, फिरात, क्यों बुलाया मुझे, क्या बात करनी है? कहीं बैठकर बात करते हैं ना, वहीं जहां हमेशा मिलते हैं। मेरे पास टाइम नहीं है यारिन, जो कहना इधर ही कहो। फिरात, दादा मेरी शादी तय कर रहे हैं, वो भी किसी बिल्कुल अनजान शख्स के साथ। मैं क्या कर सकता हूं, मुझसे क्या चाहती हो तुम? लगता है तुम्हें समझ नहीं आ रही फिरात, जबरदस्ती मेरी शादी कर रहे हैं वो। फिरात, तुम मेरे साथ ऐसा क्यों बिहेव कर रहे हो?
क्योंकि तुमने मेरे साथ बहुत झूठ बोले हैं यारे। मैं अब तुम पे यकीन नहीं करता और ना ही अब ये आंसू मुझे यकीन दिला सकते हैं। फरात, मैं तुम्हें सच बता चुकी हूँ, मुझे कुछ नहीं पता, वाकई मेरा यकीन करो प्लीज। तुम मुझे क्या बेवकूफ समझती हो? हाँ, ये बात तुम्हें मैंने बताई कि गोनर और मीरान शादीशुदा हैं और तुमने इसी बात का फायदा उठाया था। तुम्हारी वजह से मीरान परेशान है, ऐसा क्यों किया तुमने? फिरात, मैं तुम्हें ये बात बताना ही चाहती थी। और तुम तो ये भी नहीं जानती थी कि मीरान और रेयान वहां रहते हैं। पता था क्या? नहीं पता था ना तुम्हें? फिरात, सिर्फ गुल रेयान के साथ मिलना चाहती थी, यही कहा था ना तुमने हमसे। और अब तुम कितने खेल खेलोगी अरिन, क्योंकि तुम्हारी नीयत साफ नहीं है। दो बहनें आपस में मिलना चाहती थी, काफी हसरत थी उन्हें। अब मेरी बात गौर से सुनो, मैं ऐसी लड़की से मिलना पसंद नहीं करता जो इधर की बात उधर और उधर की इधर करती हो। अब जाओ यहां से, शादी मुबारक हो तुम। फिरात, एक दिन आएगा जब तुम मुझे ठुकराने पर पछताओगे, क्योंकि इसमें से कोई भी इल्जाम ठीक नहीं, देख लेना। या अल्लाह, मैं क्या करूंगी? रुक जाए, खुदा के वास्ते रुक जाए। बाबा ऐसा ना करें, प्लीज भाई का सोचे, मत करें ऐसा। तुम दोनों भाइयों की बेटियों ने बर्बाद कर दिया हमारे खानदान को, तुम जाके अपनी बेटी को संभालो। तू इधर आओ, जल्दी जाकर भाई को फोन करो, जल्दी। तेरे अंदर शर्म नाम की चीज नहीं है क्या? ना तेरे बाप को कभी सुकून मिलेगा, ना तेरी माँ को। जब तक तू जिंदा रहेगी तब तक और इस हवेली में रहने वालों के जान और माल पर तेरी मनुष्यता पड़ रही है। जब तक तू जिंदा रहेगी, चारों खानदान के नाम पे धब्बा बनी रहेगी। लेकिन किया क्या है मैंने? गलती क्या है? मुझसे पूछती है वो बेगैरत मीरान, तूने हम पे मुसल्लत किया है। पूरे मिदियात में हम शर्मिंदा हो रहे हैं, हमारी जमीन, हमारा कारोबार, सब कुछ हमारी आंखों के सामने छीन रहे हैं, और इसकी वजह सिर्फ तू है। रुक जाओ बेटी, रुक जाओ। कोई गरीब नहीं है मेरे। बेटी जरा रुक जाओ, सब्र करो, होश में आओ बेटी। ये क्या कर रही हो? लाओ ये गन मुझे दो। कोई भी मेरा पीछा नहीं करे। रेयान बेटा, ऐसा नहीं करो। नहीं करूं तुम्हारे लव। और क्या चाहूंगा रेयान, अगर तुम्हें पता चल जाए कि क्या कर सकता हूं तो हैरान हो जाओगी।